हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक और नया व्लॉग आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हम मुंबई ट्रिप पर हैं, मुंबई टूर पर हैं, तो हम आपको अलग अलग व्लॉग से रूबरू करवा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं अरनाला बीच पर, साथ ही अरनाला फोर्ट पर भी जाएंगे और अरनाला के स्थित दरगाह पर भी जाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों हम मुंबई सफ़र के दौरान आपको अलग अलग व्लॉग से रूबरू करवा रहे हैं। हमने पीछे व्लॉग बनाया है, हमारा ट्रेन जर्नी का व्लॉग है एक, उसके बाद एक हाजी अली दरगाह का व्लॉग है, साथ ही एक गेटवे ऑफ इंडिया का व्लॉग है और एक गेटवे ऑफ इंडिया पर फेरी बोटिंग का व्लॉग है। तो उन वीडियो के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उनको भी अपना प्यार दे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके लिए हम ऐसे ऐसे मनोरंजक वीडियो लाते रहे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज अभी हम नाला बीच पर पहुंच चुके हैं, हमारे आपा हमारे साथ में है, रुखसाना साथ में, हमारी गुड्डू भी साथ में है, सिमरन हाय, देखिए सभी साथ में, तो हम साथ साथ में एंजॉय करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से हमें बोट के सहारे समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अभी हम अरनाला बीच पर है, आप ये नज़ारा देखिए, वाकई में बहुत ही शानदार नज़ारा देखिए। इन लहरों के बीच में यानी लहरी कितनी हवा चल रही है, लहरें आ रही है, तो काफ़ी मज़ेदार। और इस आप बीच पे देखेंगे तो बोट ही बोट आपको नज़र आएंगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बोट खड़े हुए हैं, यानी काफ़ी बेहतरीन बीच है अरनाला बीच और काफ़ी मज़ेदार जगह पर है दोस्तों। अरनाला फोर्ट पर जाने के लिए आपको यहाँ पर नाव लगती है, तो नाव का वेट करना पड़ेगा। इस नाव के जरिए आप अरनाला फोर्ट पर पहुँच पाएंगे। वो देखिए सामने आपको बीच में झाड़ झाड़ पेड़ पेड़ दिख रहे होंगे, तो वो अरनाला फोर्ट है। तो हम भी चलेंगे इसी नाव के द्वारा, तो चलिए चलते हैं नाव में। तो फाइनली गाइज अरनाला फोर्ट पर जाने के लिए बोट रेडी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो ये बोट काफ़ी इसकोले ले रही है, तो काफ़ी मज़ेदार ये व्लॉग होने वाला है साथियों। वही दोस्तों अरनाला फोर्ट समुद्र के बीचों बीच है, तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम का है कि मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूँ। जो साथी और बोट में देखिए हमारे साथ हमारे आपा और मेरी मिसेज और मेरी गुड़िया भी है और ये बाकी दूसरे सवारियाँ हैं जो उस फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है साथी, आप देख सकते हैं ये काफ़ी यानी लोग इस नाव के जरिए जा रहे हो, पूरी नाव हिचकोले मार रही है, तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है साथियों। धीरे धीरे नाव आगे जा रही है, तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हो रही है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसी नाव में, पूरी नाव हिचकोले गाइज ले रही है, तो काफ़ी अंदर से फीलिंग भी आती है डर सी, बाकी मज़े भी बहुत आ रहे हैं, ताज़ी हवा आ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स फाइनली हम अरनाला फोर्ट की तरफ निकल चुके हैं, अभी हम बोट में बैठे हुए आप देख सकते हैं, और ये फोर्ट जो है पूरा समुद्र के बीचों बीच है, यानी अलग ही एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इस बोटिंग का, बहुत ही लाजवाब बोटिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत ही मज़ेदार हो रहा है। जिस प्रकार का ये पूरा व्यू है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो इस ब्लॉग को पूरा देखना ताकि आपको मज़ा आए, घर बैठे आप इस अरनाला फोर्ट को देख पाए, इस व्यू को नज़ारे को स्मरण कर पाए। अभी अरनाला बीच पहुंच चुके हैं,
तो अरनाला फोर्ट पर जाने के लिए अभी हम यहाँ नाव से उतरेंगे। आप देखिए सब लोग नीचे उतर रहे, तो हम भी पहले उतरेंगे, उससे आगे आपको वीडियो बताएंगे। गाइस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। और देखिए आप पानी में आपको ये सारी बोट ही बोट नज़र आएगी। मेरे हिसाब से यहाँ से सैकड़ों की संख्या में बोटें होगी तो इस पानी में होगी। देखिए आप, अरे दोस्तों काफ़ी मज़ा आया उस बोटिंग में। यानी वो बोट समुद्र की जो लहरें जैसे इसकोले खाती है, तो वैसे वो बोट भी इसकोले खाती है। तो बहुत ही एक डर अंदर से फीलिंग थी। और दोस्तों मैं अभी पहुंच गया वो बीच के बीचों बीच, जो समुद्र के बीचों बीच जगह है। तो अभी मैं आपको यहाँ की लोकेशन भी दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार लोकेशन है। तो देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ की हवा की बात करें तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। यानी हवा का तो आप समझो कि बहुत ही खतरनाक हवा है। बीच समंदर के बीचों बीच एक टापू है, तो आप महसूस कर सकते हैं उस एहसास को। बहुत ही ज़बरदस्त का नज़ारा है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा समुद्र में जहाज जो देखो सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं। और ये वो वाला वो टापू है जहाँ पर हम जाने वाले हैं बोट की तरफ। तो ये वाला टापू जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, देखिए आप, तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। बहुत ही अच्छा एहसास है इस पल का। फाइनली फ्रेंड्स, हम अरनाला के फोर्ट में पहुंच चुके हैं। अरनाला का किला तो आप देखिए, ये इस प्रकार से बहुत ही पुराना किला है। आप देखिए नज़ारा काफ़ी अच्छा किला है, ऐतिहासिक धरोहर है अपनी। और ये वाकई में इसके अंदर जाएंगे तो अंदर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये किले का हिस्सा है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ऐतिहासिक धरोहर आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको समुद्र का सी का व्यू दिखाऊंगा। और यहाँ पर हवा की बात करें तो बहुत ही तेज़ हवा है। ये देखिए, ये पूरा समुद्र वाला व्यू है। दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी पानी और नाव ही नाव दिखाई देगी। अभी अब अरनाला फोर्ट से वापस दूसरे किनारे की तरफ जाएंगे, तो वापस हमें बोट का सहारा लेना पड़ेगा। तो गाइस चलिए वापस चलते हैं बोट से उस किनारे पर और दिखाते हैं आपको कुछ और अलग से नज़ारे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं बोट के पास। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं अरनाला बीच। और अरनाला बीच का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की चौपाटी जो बीच का नज़ारा है वाकई में बहुत ही, और अभी शाम का टाइम है तो सनसेट का टाइम है, तो वो भी नज़ारा काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो चलिए दिखाते हैं। We'll be right back.
इस बीच की बात करें, चौपाटी की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है यार दोस्तों। वाकई में बहुत ही अच्छी जगह है, इंटरेस्टिंग जगह है। मैं अभी अरनाला बीच पे हूँ, अरनाला चौपाटी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की चहल पहल, और सनसेट का टाइम है तो काफ़ी अच्छी सी फीलिंग है, एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार सीन है दोस्तों। समुद्र की लहरों की बात करें तो गाइज काफ़ी ऊपर तक उठती हुई लहरें दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, मज़ेदार सीन है एक नंबर। देखिए नज़ारा समुद्र का, काफ़ी खतरनाक लहरें। देखिए लोग यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं समुद्र की लहरों को। पानी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है गुड्डू, है गुड्डू? हाँ वो देखो आया। तेरा चप्पल जा रहा है गुड्डू, तेरा चप्पल क्या है? देखिए देखिए लहर, वाओ देखना हो गुड्डू को मजा आएगा। गुड्डू पानी गया ना, गुड्डू पानी गया, वापस आएगा। ये आया एक पैर गुड्डू के खाली है, ये आया, ये हुए। तो काफ़ी अच्छा ये व्लॉग बना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों हमारे मुंबई टूर्स के दौरान हमने अलग अलग व्लॉग बनाए, उनके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और भी अधिक हमारे व्लॉग आने वाले समय में मुंबई पुणे के रहेंगे, तो उनको भी अपना इसी तरीके से प्यार दें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में।